नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है। आज का वीडियो सबसे अलग है, और अगर आपके पास आपका खुद का बिजनेस है, आपकी खुद की वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो आज के वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं आपको यहाँ पे एक बिज़नेस मॉडल समझा सकूँ, ताकि किस तरह से आप आपके बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सके। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ यहाँ पर flipkart.com का, और साथ साथ यहाँ पर रेडमी मोबाइल का, ताकि आपको समझाने में यहाँ पे बहुत ही आसान रहे और आप आसानी से समझाओ कि एक्चुअली बिज़नेस मॉडल क्या होता है, किस तरह से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं हम किसी भी बिज़नेस में से। तो यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना तो मैं किसी वेबसाइट से हेड करता हूँ, ना तो मैं किसी प्रोडक्ट से ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ बुरा नहीं बताने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं आपके बेनिफिट के लिए एक बिज़नेस मॉडल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली किस तरह से आजकल के कंपटीशन में आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हो। बस यही एक मेरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम फ्लिपकार्ट का यूज़ करने वाले हैं। फ्लिपकार्ट के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं रेडमी 5A मॉडल का। और आपको जैसे पता होगा कि देखिए, रेडमी 5A मॉडल आपको आपने कई बार कोशिश की होगी लेकिन आपको नहीं मिला होगा, तो रीज़न यही है पब्लिसिटी स्टंट। तो जैसे कि देखिए, आज मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि एक्चुअल किस तरह से बिजनेस करते हैं और किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट आप ले सकते हो। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर फ्लिपकार्ट वेबसाइट ओपन है। जैसे कि आप लोग को पहले से पता होगा कि रेडमी का 5A मॉडल तो यहाँ पे जस्ट 1 मिनट में, तो यह होगा 1 मिनट भी नहीं लेकिन हाफ मिनट में यहाँ पे ढेर सारे मोबाइल एक ही साथ सेल हो जाते हैं। तो रीज़न क्या है, इसके जो इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है कि जस्ट हाफ मिनट में इतने सारे फ़ोन क्यों सेल हो जाते हैं और किस तरह से सेल होते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 बार कोशिश की लेकिन ये फ़ोन मुझे भी नहीं मिला, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, और इसके अंदर से आप किस तरह से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपको पता होगा कि देखिए, आपको दिखा देगा रेडमी 5A, और आपको पता होगा कि ये फ़ोन आसानी से आपको नहीं मिलता। जैसे फ्लिपकार्ट में सेल स्टार्ट होता है, जैसे आप यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हो, हाफ मिनट के अंदर ये सभी फ़ोन सेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा अब क्यों हुआ? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसे एक बिज़नेस मॉडल कहते हैं। आप मान लीजिए, अगर रेडमी चाहे तो इसके अनलिमिटेड फ़ोन फ्लिपकार्ट में सेल कर सकता है, लेकिन इसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसे कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। जैसे कि देखिए, ये सभी यूज़र और जितने भी कस्टमर हैं इसके दिमाग में एक ही बात ऐड करना चाहते हैं कि ये फ़ोन लिमिटेड है और सबसे अच्छे फ़ोन है, ताकि सबकी सभी यूज़र को मिल नहीं रहे। तो ये एक बिज़नेस मॉडल है। तो इस तरह से रेडमी फ़ोन के जो सबके सभी कस्टमर के दिमाग में यही रहता है कि ये सबसे अच्छा फ़ोन है, इसीलिए हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो देखिए ये बिज़नेस मॉडल होता है, आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी खुद की वेबसाइट है। तो जैसे कि देखिए, मैंने आपको पहले बताया इस तरह से, अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट को डिटेल में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से आपको किस तरह से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर रेडमी 5A मॉडल है, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि थोड़े दिन पहले ही इसका एक सेल गया है। इसमें क्या था, यही मोबाइल 60 GB वाला मोबाइल आपको कितने में मिल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डिटेल में देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे 4,999 रुपये में आपको ये पहले मिला था, लेकिन अब यहाँ पे गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा इसमें 1,000 रुपये ऐड हो चुके हैं। ये एक बिज़नेस मॉडल होता है। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा समझ में कि इसमें से आपको किस तरह से बेनिफिट हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर सिखाता हूँ कि जो रेडमी का मोबाइल है वो नेक्स्ट सेल में यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पे देखिए जस्ट 1,000 जो इसके मोबाइल सेल हुए थे, तो इसकी कितनी कितने यहाँ पे इनकम होते हैं फ्लिपकार्ट को। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 4,999 रुपये, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 15 लाख इतनी हो सकती है। लेकिन अब देखिए इसका लॉजिक यहाँ पर आपको दिखा देगा, अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा सभी जितने भी रेडमी मोबाइल के हैं इसमें यहाँ पे 1,000 रुपये ऐड हो चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या होगा, यहाँ तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 1,000 मोबाइल सेल हुए, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे अगर 1,000 सभी मोबाइल में ऐड हो चुके हैं तो अब नेक्स्ट सेल होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर क्या देखेंगे,
मोबाइल को देखेंगे, नहीं प्राइस को, क्योंकि सभी यूज़र के मन में क्या है कि ये मोबाइल नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब कि इस मोबाइल में कुछ नया है और ये मोबाइल सबसे अच्छा है। जैसे कि देखिए, पर यूनिट 1000 ऐड होने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसे यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपको मानना है कि 1000 पीस सेल हुए तो देखिए सीधे यहाँ पे 10 लाख का बेनिफिट। और इसके बाद इसे हम ऐड करने वाले हैं जो टोटल यहाँ पे सेल हुआ था पिछले के कंपेयर में। तो यहाँ पे जैसे ये सेल स्टार्ट होगा, यानी कि कल है 15 मार्च, तो कल ही इस मोबाइल का सेल स्टार्ट होगा। तो अब देखिए, जितने लोग इस मोबाइल को परचेस करते हो तो परचेस करेंगे, इसमें बेनिफिट किसका होगा, यहाँ पे फ्लिपकार्ट और एमआई का। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको पहले कैलकुलेट करके दिखाया, पर यूनिट 1000 ऐड होने का मतलब यहाँ पे सीधे 10 लाख का बेनिफिट होगा यहाँ पे फ्लिपकार्ट और रेडमी को। तो यही होता है बिजनेस मॉडल, मैंने आपको पहले बताया इस तरह से। यहाँ पे मैं किसी वेबसाइट से हेड नहीं करता और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट से हेड नहीं करता, लेकिन ये एक बिजनेस मॉडल है। अगर चाहे रेडमी और फ्लिपकार्ट चाहे तो यहाँ पे अनलिमिटेड मोबाइल सेल कर सकता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये एक बिज़नेस मॉडल है और सभी कस्टमर और यूज़र के दिमाग में एक ही बात ऐड करना चाहता है कि रेडमी 5A सबसे अच्छा फ़ोन है, तुरंत सेल हो जाता है फ्लिपकार्ट में। इसी तरह से तो एक बिज़नेस मॉडल होता है। अगर आपका खुद का एक बिज़नेस है तो आप भी ऐसे बिज़नेस मॉडल को अप्लाई कर तो आपके बिज़नेस में तो आपको कभी ना कभी बेनिफिट मिल सकता है। तो बस आज का वीडियो मेरा जितना आशा रखता हूं आपको बहुत ही पसंद आया हो। अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।